हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की खीर। ये एक इंडियन डेजर्ट है जिसे हम फेस्टिवल्स पे बनाते हैं, या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम लगभग हाफ कप चावल को एक बोल में डालेंगे। हमने नॉर्मल वाले चावल यूज़ किए हैं, आप कोई भी चावल यूज़ कर सकते हो। इसे वाटर से बिल्कुल भर देंगे और इसे एक बार पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद पानी को फेंक देंगे ताकि इसकी इम्प्योरिटीज निकल जाएं। अब इसमें फ्रेश वाटर डालेंगे और इसे लगभग 30 मिनट्स तक ऐसे ही रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद चावल बिल्कुल फूल जाएगा। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। हम इसे एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन करेंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। इसके वाटर बहुत ही जल्दी से निकल जाएंगे। थोड़ी देर में वाटर बिल्कुल सूख जाएगा। जब वाटर सूख जाए तब हम कढ़ाई या पैन में देसी घी डालेंगे। हम इसे देसी घी में ही बनाएंगे। हम लगभग 2 टीस्पून देसी घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद अब जो चावल हमने स्ट्रेन किए थे उसे डाल देंगे। डालने के बाद एक उडन स्पैचुला से इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भुनेंगे। हमें इसे 3 से 4 मिनट तक भुनना है। बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर में ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन दिखने लगेगा। ये देखिए, अब ये बिल्कुल परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब हम एक कढ़ाई में मिल्क लेंगे। हमने लगभग 1.5 लीटर मिल्क लिया है। मिल्क आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसे बिल्कुल अच्छे तरह से बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद इसे हम लगभग 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। जब ये ऊपर आने लगेगा तब हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे। मलाई को साइड कर देंगे और इसे बीच बीच में लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। थोड़ी देर में दूध गाढ़ा दिखने लगेगा। ये देखिए, अब ये हल्का हल्का गाढ़ा दिखने लगा। बीच बीच में इसे चलाना नहीं छोड़ना है, लगातार चलाते रहना है। 4 से 5 मिनट के बाद अब इसमें फ्राई किए हुए चावल डालेंगे। आप चाहें तो चावल बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तब हम इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे। लो फ्लेम पे खीर ऊपर नहीं आएगी और बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। हम इसे 3 से 4 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे। ये देखिए, अब खीर गाढ़ी होनी स्टार्ट हो गई है। चेक करने के बाद इसे फिर से ढक देंगे और इसे बिल्कुल गाढ़ा होने तक कुक करेंगे। ये देखिए, अब खीर गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम शुगर डालेंगे। शुगर अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। शुगर डालने के बाद अब इसमें हम क्रश्ड इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची डालने से खीर बहुत टेस्टी लगती है। हमारी खीर गाढ़ी हो गई है पर चावल हल्के हल्के कच्चे हैं, इसलिए हम इसे फिर से ढक देंगे और कुक करेंगे। बीच में ही हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के बिल्कुल सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। खीर को पकने में लगभग आधे घंटे लग सकते हैं। ये देखिए, अब हमारी खीर बिल्कुल गाढ़ी दिख रही है। चावल को चेक करेंगे, अगर ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट है तब ये पक चुके हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी चावल की खीर तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए, कितनी गाढ़ी और अच्छी दिख रही है। आप इसे इस फेस्टिवल्स में जरूर ट्राई करिए। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, खीर कितनी बढ़िया दिख रही है और गाढ़ी भी है। हमने बिना घी के भी खीर बनाई है, आप उसे भी ट्राई करें। ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसको बिना ड्राई फ्रूट्स के खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं। हमारी राइस खीर बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें।
और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।